नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभिषेक, आपका अपना बॉर्न शेफ, एंड मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कुछ यूनिक, सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो रेसिपी हम लोग बनाने जा रहे हैं वो बेसिकली एक फ्यूजन है इटालियन और इंडियन कुजीन का। बेसिकली एक ये डेजर्ट है कैनोली, जो कि हम लोग फिल करेंगे श्रीखंड के साथ, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात साइड में बहुत ही फेमस डेजर्ट है। सो कैनोली बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं बॉर्न प्राइम टाइम ब्रेड, जो कि हमारा मेन इन्ग्रीडियंट रहेगा। एंड हम लोग श्रीखंड बनाने के लिए यूज़ करेंगे हंकर्ड मास्कारपोन चीज़। मास्कारपोन चीज़ अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, वो जस्ट टेक्सचर और टेस्ट के लिए है। उसके अलावा वी नीड केसर का पाउडर, अगर नहीं भी है स्किप कर सकते हैं, नॉर्मल केसर यूज़ कर सकते हैं वो भी चल जाएगा। थोड़ा वार्म मिल्क, इलायची पाउडर, चॉप्ड पिस्ता, केसर एंड पिस्ते का पाउडर। तो सबसे पहले हम ये वार्म मिल्क लेंगे एंड इसके अंदर थोड़ा सा केसर डाल देंगे, ताकि जब तक हम लोग ब्रेड की कनोली बनाएंगे ये अच्छा रंग छोड़ देगा। इसको इसी तरह साइड पर रख देंगे और अब हम आते हैं अपनी ब्रेड के ऊपर। तो सबसे पहले ब्रेड के एजेस को काट लीजिए। इसको फेंकिएगा मत, इसको ड्राई कर लीजिए एंड उसके बाद आप इसके अच्छे से ब्रेड क्रम बना सकते हैं, कभी कटलेट बनाने के लिए या कुछ बनाने के लिए वेस्टेज नहीं करना। तो किचन में ना ये चीज बहुत जरूरी है, अगर आप कुछ भी काट रहे हो ना तो उसको अच्छे से यूज कीजिए, वेस्टेज मत कीजिए। तो ये कट गई हमारी ब्रेड और आलू जी, ये हो गई अपनी ब्रेड। तो अभी इसको ना पूरा फ्लैट बेल लेना आपने। सो इसको साइड पे लिया, ये इसको इस तरह से पूरा पतला कर लेंगे, देखा ऐसे। तो अभी बाकी के भी कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये पूरे अच्छे से फ्लैट करके रेडी है, तो अभी हम इसको इवन इवन साइड काट लेंगे इस तरह से। एक शेप खराब ना हो ना, अलग अलग शेप पर बनाए। हो गई शेप, ये बन गया हमारे पास का फ्लैट कनोली। तो करना क्या है इसके लिए, कनोली का ना एक मोल्ड आता है जो कुछ इस तरह का दिखता है, ये इस तरह का मोल्ड रहेगा एंड हम लोग इसको इसके अंदर रोल करके बेक कर देंगे। बट अगर आपको ये नहीं मिल पाता है तो उसके लिए है हमारे पास जो बात, फॉइल लीजिए जी, आपको लेनी है फॉइल। फॉइल को ऐसे इतना लंबा फाड़ देना है, जस्ट ऐसे ही रोल कीजिए इसको और बीच में से मोड़ दीजिए। तो ये बन गया जी हमारा देसी कनोली मोल्ड। अभी एक और ले लेंगे सील करने के लिए, तो इसको साइड पे रखेंगे पूरा आगे तक रोल करके। इसको इस साइड से रोल करिए, हल्का पानी इस एज पर एंड ये इसके ऊपर और थोड़ा सा इस एज के ऊपर, थोड़ा सा इसको दबा के सील कर देना चाहिए। ये बन गई जी कनोली। इसी तरह से बाकी के भी कर लेंगे हम लोग। तो ये कनोली हमारी रेडी है, अब हमको इसको बेक करना है। तो हम लेंगे ये ग्रिल एंड इसको इसके ऊपर प्लेस करेंगे। तो
इसको बेक करेंगे हम 5-8 मिनट के लिए अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए, तो जब तक हमारी कनोली बेक हो रही है तब तक हम उसकी फिलिंग बनाएंगे जो कि है श्रीखंड। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे ये दही। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मास्कारपोन चीज जो कि सॉफ्ट किया हुआ है रूम टेम्परेचर पे। बिल्कुल ठंडा मत डालिएगा, उससे क्या होगा लम्स आ जाएंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर आइसिंग शुगर, केसर और दूध, थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ा सा पिस्ता का पाउडर। अभी इसको अच्छे से मिला लेंगे। जी हमारा श्रीखंड रेडी है, ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अभी हम लोग इसको पाइपिंग बैग में डालेंगे। तो अभी हम इसको अपने फ्रिज में रखते हैं। सो सारे एलिमेंट्स हमारे पास रेडी हो चुके हैं, हमारी कैनोली बेक हो चुकी है, श्रीखंड ठंडा हो चुका है और हमारे पास सारी गार्निश का सामान पूरा सेट है। तो स्टार्ट करते हैं इसको असेंबल करना। तो सबसे पहले कैनोली के अंदर हम लोग फिलिंग करेंगे, दोनों साइड से करनी पड़ेगी ये। सो इसको एक साइड से एंड अब सेकेंड। अब भी इसको थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे, चम्मच से लेके फ्लैट और अब ये साइड से भी फ्लैट। ये दूसरी वाली ले रहे हैं। हमारी कैनोली अभी फिल हो चुकी है, तो अभी इसको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हम लोग इसके पिस्ता के पाउडर में थोड़ा डिप कर देंगे साइड को इस तरह। एक पिस्ता भी हमने साइड पे पाउडर लगा दिया है, तो अभी इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा इलायची पाउडर। छलनी में थोड़ा सा डाल लीजिए और इसको इस तरीके से एक एंड के ऊपर ही डालना है सर। तो अब इसमें जाएगा थोड़ा सा केसर का पाउडर। थोड़ा सा चॉप किया हो पिस्ता, थोड़ा सा केसर। तो हमारी श्रीखंड कैनोली तो हो गई है जी रेडी और हम तो चले इसको खाने। तो आप भी जाइए बनाइए और सबको खिलाइए। और हाँ भूलिएगा मत, ब्रेड मतलब बॉन।